अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। वेलकम टू आवर चैनल जेनेरिक वर्ल्ड। हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 2.10 कंप्लीट कर ली है और आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.11। और यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास वो दोनों फार्मूलाज यूज़ होंगे जो हमने एक्सरसाइज 2.10 एंड एक्सरसाइज 2.9 को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे, लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी, यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज़ होगा, और ए स्क्वायर प्लस माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपने ये देखना है कि जैसे हमने एक एक्सरसाइज सॉल्व की थी जिसमें हमारे पास फोर वैल्यूज थी और वहाँ पर हम पेयर्स को पेयर मीन्स पे कॉमन ले रहे थे तो वो सॉल्व हो रहा था। अगर आपने नहीं देखा तो आप कंफ्यूज मत हो, आप यहाँ पर देखें, आपके पास एक फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, और एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर का, और एक फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ठीक है, आई होप ये तीनों आपने रिमाइंड कर लिए हैं अपने माइंड में। अब देखिए, यहाँ पर ये है फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये है सेकेंड वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, और फिर आपको मैंने 2.9 में बोला था, ठीक है, प्लस ये वाला प्लस है तो प्लस टू लगाएंगे और दोनों वैल्यूज लिख देंगे। हमने वही किया, इस फॉर्मूले को क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं। ये फार्मूला हमारे पास बन रहा है ए स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस फॉर्म प्लस के साथ टू लगाएंगे, पहली वैल्यू और फिर सेकंड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अब हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और हमने ये सी स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। अब आप देखोगे कि ये पूरी वैल्यू ए कंसिडर हो रही है और ये वैल्यू बी किस फॉर्मूले के तहत ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जहाँ पे होता था, तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर बन रहा है और ये बी स्क्वायर, यानी कि आपने क्या करना है, एक मरतबा प्लस में लिखना है और एक मरतबा माइनस में, तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा और ए प्लस बी माइनस सी आएगा। आई होप तो कि इतना समझ आ गया है, यानी कि हमारे पास दो फार्मूलाज यूज हो रहे हैं। पहले एक फार्मूले को क्लोज करना है, जैसे कि हमने इसको क्लोज किया यहाँ पर ए प्लस बी स्क्वायर में, और फिर आपने इस दूसरे फार्मूले को ओपन कर देना है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स वाई प्लस फोर वाई स्क्वायर माइनस नाइन एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर वाई है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, यहाँ पर फोर, यानी एक्स और वाई दोनों होने चाहिए। मतलब कि ये आपका फॉर्मूला क्लोज होगा, मतलब ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और ये बनेगा टू वाई का स्क्वायर, टू वाई स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पर माइनस है तो माइनस टू लिखेंगे, पहली वैल्यू और फिर सेकेंड वैल्यू। अब ये फॉर्मूला कैसे क्लोज होगा, पहली वैल्यू ये वाला साइन मतलब माइनस एंड टू वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थ्री एक्स एंड वाई का होल स्क्वायर में। अब आप इसको एक मरतबा प्लस में लिख देंगे, एक्स माइनस टू वाई प्लस थ्री एक्स वाई, और एक मरतबा माइनस में एक्स माइनस टू वाई माइनस थ्री एक्स वाई। नाउ अब आप एक और क्वेश्चन देखो, आपके पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर बी एन माइनस फोर। अगर आप एक फॉर्मूला क्लोज करना चाह रहे हो, अगर हमें ये वाली वैल्यू कंसीडर करते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर तो माइनस नहीं होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। चाहे प्लस का फॉर्मूला हो या माइनस का फॉर्मूला हो, वहाँ पर प्लस होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी या प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर ये फार्मूला जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा, हम यहाँ पर देखेंगे ये फार्मूला कंप्लीट होगा। हम पहले क्या करेंगे, तीनों माइनस में है तो हम माइनस कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लिया, नेक्स्ट स्टेप में माइनस कॉमन लिया, बी स्क्वायर प्लस फोर बी प्लस फोर रह गया। अब यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट करेंगे, ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ये पहले का स्क्वायर सेकेंड का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस टू फर्स्ट वैल्यू एंड सेकेंड वैल्यू, ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस ये बन गया बी प्लस टू का होल स्क्वायर। अब आप एक मरतबा इसको प्लस में लिखोगे, एक मरतबा माइनस में, माइनस में लिखोगे तो मैंने ब्रैकेट में ही रहने दिया क्योंकि साइन चेंज होंगे, तो हम अगले स्टेप में कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये ए माइनस बी माइनस टू एंड ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस टू। तो आपकी जो एक्सरसाइज 2.11 के टोटल सिक्स क्वेश्चंस हैं, जिसमें से मैंने आपको थ्री मेन क्वेश्चंस करवा दिए हैं। इन क्वेश्चन को यूज़ इन कॉन्सेप्ट्स को यूज़ करते हुए आप रिमेनिंग एक्सरसाइज 2.11 के थ्री क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे।
और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वो आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूँगी या फिर आने वाली वीडियोस में आपकी वो प्रॉब्लम जो है वो क्लियर कर दूँगी। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।